Hello friends, welcome to Imp Exports, the world of import and export, a part of Global Federation of Entrepreneurs. Friends, thank you so much for the valuable response again. आज का जो हमारा सवाल पूछा है जो कि है इकबाल छिपा जी ने, वो पूछते हैं, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन सर, कोल्ड प्रेस्ड ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम सीड ऑयल और कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट कहाँ पर होता है? तो छिपा जी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दी वैल्यूएबल क्वेश्चंस. तो विदाउट अ फर्दर अडू छिपा जी, सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूंगा, इतना थोड़ा डिले हुआ ड्यू टू द ट्रेड एक्टिविटी. जो अभी लॉकडाउन खुला है तो उस वजह से ट्रेड के अंदर थोड़ा बिजी हो गए थे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. बट उसके लिए भी मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपके लिए एक डेटा बनाया है जो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ. तो आप भी पूरा चेक कर पाएंगे कि कहाँ पे होता है. पूरा डिटेल्स एनालिसिस आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अब देख पाएंगे. छिपा जी, ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताया है कि आप चेक कर पाएंगे ग्राउंडनट ऑयल. बट ग्राउंडनट ऑयल के अंदर भी सर कैटेगरीज होती है, तो मैं कौन सा आप ग्राउंडनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड के अंदर ग्राउंडनट ऑयल एडिबल को ग्रेड का है या जो अदर देन एडिबल ग्रेड है वो कौन सा है, वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था क्योंकि आपने सिर्फ लिखा हुआ था. बट उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, तो इसके लिए मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा एक डेटा एनालिसिस करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ. आपको ये पूरा HS कोड यहाँ पे दिख रहा है 15162029, जिसका प्रोडक्ट कोड है ग्राउंडनट ऑयल अदर देन एडिबल ग्रेड, और दूसरा है 15162021, जिसका प्रोडक्ट कहता है ग्राउंडनट ऑयल फॉर एडिबल ग्रेड. तो पहले वाला था वो अदर देन एडिबल ग्रेड है और दूसरा वाला जो है वो एडिबल ग्रेड का है. अब उसी के सामने मैंने आपको एक फिगर्स भी यहाँ पे बताई हुई है कि 2018 और 19 में कितने लैक्स का एक्सपोर्ट हुआ है, और 2019-20 में अभी तक फरवरी तक कितना एक्सपोर्ट हो चुका है. तो ये आपके सामने जो फिगर दर्शा रहे हैं जो कि है 1054 लाख, तो इसको मैंने करोड़ के अंदर मैंने करा तो 10.54 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है ये प्रोडक्ट. और उसी के सामने 19-20 के अंदर ये 5.56 करोड़ का एक्सपोर्ट अभी तक फरवरी तक हो चुका है. और ये टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज है आपके लिए जो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट ऑयल या जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्राइब करे हुए हैं उन प्रोडक्ट का इंपोर्ट करती है. कौन सी कंट्री कितने करोड़ का एक्सपोर्ट करती है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट है 2029 का जो HS कोड है वो सबसे ज्यादा चाइना इंपोर्ट करती है, 4.49 करोड़ का अभी तक एक्सपोर्ट कर चुके हैं. किसमें से? 5.56 करोड़ में से सर. तो सबसे ज्यादा आपका मेन टारगेट कंट्री जो है वो है चाइना. उसी के साथ में अगर आप एडिबल ग्रेड का ग्राउंडनट ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा चाइना, यूएसए, यूएई, बहरीन और सिंगापुर, ये ऐसी 5 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है. और उसी के सामने मैंने आपको ये ग्रीन कलर करा हुआ है, ये इसीलिए करा हुआ है क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 18-19 में 2018 एंड 19 में सिर्फ 95 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है, 95 लाख का एक्सपोर्ट हुआ है, जिसके सामने वो बढ़कर 31.24 करोड़ का एक्सपोर्ट हो गया है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 30.05 करोड़ चाइना ने इंपोर्ट करा है इंडिया से. यस, सभी लोग शॉक होंगे कि भाई चाइना क्यों इंपोर्ट करता है हमसे. बट यस फ्रेंड्स, ये दस्तूर है कि जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है वो इंपोर्ट भी करती है. हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो चाइना को भी एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना हमसे भी इंपोर्ट करता है इंडिया से, ना कि हम सिर्फ चाइनीज आइटम ही यूज करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना 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 के बहुत सारे चाइनीज फैल गए हैं, ऐसा नहीं होता है. इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है चाइना को, और इंडिया 190 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है. मैं ये प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. 190 प्लस कंट्रीज में जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है आज की तारीख में. तो इकबाल छिपा जी, ये पूरा आपका डिटेल्स है जो सेकंड या थर्ड नंबर पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि है आपका कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल है विथ फ्रैक्शन
और रिफाइंड मस्टर्ड ऑयल है एडिबल ग्रेड के साथ में, सीसम ऑयल है फ्रैक्शन के साथ में, सीसम ऑयल है फ्रैक्शन क्रूड के साथ में, कस्टर्ड ऑयल है, और लास्ट जो सबसे ज्यादा आप यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हैं इकबाल छिपा जी, 5314 5314 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है, जिसमें से 2200 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को करा है, 824 करोड़ का एक्सपोर्ट नेदरलैंड को करा है, फ्रांस को 5.572 करोड़ का एक्सपोर्ट करा है, वैसे ही यूएसए और जापान, ये आपकी पांच ऐसी कंट्रीज है जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप इकबाल जी, जो आपका क्वेश्चन था, जो आपने पूछा था कि आप ये जो प्रोडक्ट है वो कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये मैंने आपके सामने प्रोडक्ट कैटेगरीज, उसका बाइफर्केशन, उसका रेट्स, जो समझ लीजिए कि कौन से ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, प्लस कौन सी कंट्रीज ने कितना एक्सपोर्ट करा है वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अगर मैं आपको मैं सजेस्ट करूँ तो मैं लास्ट वाला जो है आपका कैस्टर ऑयल एंड इट्स फ्रैक्शंस अदर देन एडिबल ग्रेड, इसके ऊपर आप थोड़ी मेहनत करिए, क्योंकि इंडिया से सबसे ज्यादा ये एक्सपोर्ट हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं सर। और ग्रीन इसीलिए सेकंड वाला मैंने करा है 31.24 करोड़, जो कि है ग्राउंडनट ऑयल ऑफ एडिबल ग्रेड, क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है 95 लाख से 31 करोड़, ये ह्यूज डिफरेंस है चीपा जी, मतलब एकदम से ड्रास्टिकली वहां पे डिमांड बढ़ गई है। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हासिल कर पाएंगे। तो आज फ्रेंड्स इतना ही, अगर इसके अलावा आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं, या तो फिर आप हमारे जीएफपी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के नाम से है, आपको एंड्रॉयड में मिल जाएगी, और अगर आपके पास iOS है तो आप क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जिसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन में लिखना रहेगा जीएफपी। अगर आप वो डाउनलोड करते हैं, वहां पे चैट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे चैट के द्वारा आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशंस ले सकते हैं फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी आपकी क्वेरी है। तो जो आपको ये वेट करना पड़ता है मेरे वीडियोस का, वो आपको इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहां से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी चैट के द्वारा इंफॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।